नए वर्ष की पार्टी में हर ओर डीजे की धुन पर लोग ठुमक रहे थे, लेकिन एक ओर जमशेदपुर में नए वर्ष में करीब 6 परिवार के लोगों में मातम का माहौल छा गया। एक साथ सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में गम सा माहौल छा गया है। एक मातमी सन्नाटा पसर गया है। हर ओर लोग डीजे की धुन पर और विभिन्न गानों पर ठुमक रहे थे। लोग नए वर्ष का स्वागत काफी अलग अंदाज में किया है, क्योंकि नए वर्ष में कई उम्मीद और कई खुशियां साथ आती है कि इस वर्ष इस तरह से बिताना है और ऐसे अपने दोस्तों को खुश रखना है। लेकिन अगर बात कर ले नव वर्ष में, अहले सुबह करीब 5:15 पर जमशेदपुर परिसदन गोलचक्कर के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज स्पीड में थी और इस दौरान वह जो संतुलन है वो खो बैठा ड्राइवर, और इसी दौरान वह पेड़ से जा टकराए, जिसमें 8 युवक सवार थे, जिसमें 5 की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक और युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस मामले के बाद वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और लोग सोचा कि कोई तो बचा होगा, उन्हें निकाले, लेकिन जब देखा तो लोगों के होश उड़ गए कि एक साथ 5 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही देखा कि कुछ लोगों की जिंदगी अभी बची है, सांस चल रही है, उन्हें तुरंत स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर अस्पताल पहुंचाया, MGM अस्पताल में पहुंचाया तो, लेकिन वहां भी एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवकों को टाटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना से सभी लोग दुखी है। विष्णुपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है और बताया कि युवक IT थाना क्षेत्र के बाबा कुटी आश्रम के पास के रहने वाले थे। तमाम टाटा इंडिगो कार में सवार थे और दुर्घटना इतनी भयानक हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार का इंजन कार से निकलकर अलग जा उड़ा। विष्णुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोलचक्कर के पास 5:15 प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, जिसमें 8 लोग सवार थे, 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को MGM में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर RIT थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का अभी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। क्या लगता है सर, एक्सीडेंट होने के कारण नशा या फिर कुछ? अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बस सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग पुलिस का जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। ये सब बाद में पता चलेगा तो बताएंगे। गैस कटर की मदद से लोगों का जो शव है वो अंदर से बाहर निकाला गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह दुर्घटना होगा और कितना भयावह दृश्य होगा जब दुर्घटना हुई होगी। जोरदार आवाज के साथ 6 जिंदगी खत्म हो गई। द न्यूज पोस्ट भी अपील करता है कि नए वर्ष में आप आराम से जब बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं दोस्तों के साथ, तो ऐसा मत स्पीड चलाइए जिससे कोई दुर्घटना हो जाए। आप यह याद रखें कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और उनके साथ भी घर बैठकर खुशियों को अपना जो है वो बांटना है, और आने वाले साल में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से तमाम चीज़ों को करना है, उसके लेकर एक ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जमशेदपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।